नंदलाल आज कुछ अलग मिजाज में है, क्या बात है? आ बेटा सगरण में हर पार संभार बड़ा संगमय संगमय हमेशा रहे सारथी बनके। अरे बाबा मालूम है के भगवान श्री कृष्ण जेकर आज बरही है माधव मुकुंद नट नागर गिरवर धारी भगवान संगमय रहे सारथी बनके और अर्जुन के घमंड हो तो अपने आंख से देख लें। बाबा कौले बात का हम न रही तो महाभारत के लड़ाइये ने जीतल गिल हो। अर्जुन के जब ये बात का घमंड भल तो भगवान के कलेजी में बड़ा कष्ट भल कला हई देखा हर मौके पे हम तैनात रहली हर लड़ाई के पहलू पर हम रहली हम मदद कैली कुंती बुआ के चलते लेकिन इनके घमंड हो गल तय अर्जुन जी हर चलो और बहिया फुलावत चलो। अरे बा 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 अरे अर्जुन बा हई ना ऐसे ही बहिया फुलावत चले भगवान बैठल निकले आओ 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 पारथ तुम जैसा वसुधा पर कोई वीर नहीं वसुधा वीरों से खाली हो गई गलत बार कन्हैया हमारे अधीन रहला हमारे मन का मुंह का बात छोड़ लेला भगवान तुरंत जवाब देने के कर पता कैसे लगी कि तू ही वीर हुआ कि का थे कोने तरे में कहीं हुए भगवान कहे की तो ही एक खे हुआ कि कहीं कोने तरे में कठे बचन हुए कर पता कैसे चली कहे कोई हाओ नहीं मन चाहे जैसे वैसे पता लगा ला। कबलेश कबीर जी बैठी इत्मीनान से बैठ गए गुरुवर बड़ा रंगीन बिरहा तब भगवान एगो पाती लिखे लगले एक पत्रिका लिखले खे लड़ाकू घोड़ा के गले में बनले आई है लिख लेने जे के पकड़ी ओकर लड़ाई तीर से वीर अर्जुन के छोड़ दिया गया घोड़ा आगे आगे घोड़ा पीछे पीछे भगवान कन्हैया सारथी बनकर रथ के हाँके लगले आ वही पे अर्जुन लेके धनुष मार तैयार हुए जे पकड़े मारे टन से उलट जाए जे पकड़े मारे टन से उलट जाए। सात आठ दिन बीतल आज नौवा दिन है सवेरे में टाइम है भगवान घोड़ा के तैयार करते हैं अर्जुन लगने होने के का बे मतलब का दौड़ावेला कहली की धरती वीरन से खाली हो गई कुल माकुड़ हुए जो उन्हें नहीं तो उन्हें पकड़ लेला वहन के बे मतलब का हत्या करे खोला आई ये आठ दिन हो गल आज नौवा दिन है
आज के बाद फिर नहीं आपको ले जाऊंगा, मान जाएगा जमाना, धरती मान जाएगी, हम मान जाएंगे, जमाने के लोग मान जाएंगे। धरती का सबसे बड़ा बहादुर अगर कोई वीर है तो वो है गांडीवधारी अर्जुन। अरे वाह! ये भैया आज भगवान कोने नगरी में अर्जुन वाला घोड़ा घुमा दिलन, तर कितना बढ़िया भाव हमारा। आओ कितना प्यारा नाम हो, घोड़ावा की अबिया कणके धारा, घोड़ावा की पहली बावल हो या कणके धारा, घोड़ावा के बहरवा एगो खड़पा रहल, खड़पा जौने नगरी में भगवान आज अर्जुन वाला घोड़ा घुमौले हुए, खड़पा मतलब खड़ंजा रहल, वही पर चार छठे लड़का बैठ के खेलत ना, वो है खड़ंजा पकड़ ले वीर अर्जुन का घोड़ा, कड़पर कड़पर तड़तर तड़तर कड़पर कड़पर तड़तर तड़तर कड़पर कड़पर तड़तर तड़तर कड़पर कड़पर, लड़का कहना अरे घोड़ा नहीं है तो साला जान लेवा खाद के मुआ दी। कुल लड़का भाग के खड़ा भेल, लेकिन मन एक लड़का बड़ा हिम्मती रहल, का नाम रहल बेटा, तामर घोष था नाम उसका, साथ खेलना सकरिया नहीं, ललकारे यार जुन लेकिन, ललकारे यार जुन लेकिन छोड़ा है रसरिया नहीं, दौड़े धन अंजे ठोपे, दौड़े धन अंजे ठोपे, चंगिया पे ताल हो या करके धारा घोड़ा वाकी, भाईनी पावाल हो या करके धारा घोड़ा वाकी, लड़का उछलल और उछड़ के घोड़ा के गले के रस्सी पकड़ लेलस, घोड़ा बड़ा बेग में रहल, लड़का छोटा रहो और घोड़ा बड़ा बेग में जाता ठिठरोले जाता, अगवा जात जात लड़का पौले के मेड़ आ मेड़ में लगाए देहलस, लगाए के एड़ खींच के हिराए के खड़ा कैलस। मैं किया तोड़ा बा का भैया बोलत नहीं बतावत है, नाच के घोड़ा जब खड़ा भयल आ तब से अर्जुन का रथ हकले भगवान चली लन, आज भगवान चली लें तो अर्जुन उकरू लगा के देखत हुए, बड़े बड़े बीरन का कलेजा हिल गल, निपोरी कहाँ से पकड़ देहलस, एकर कैसे हिम्मत पड़ गई, मने मने अर्जुन यह सोचत हुए आ तब से भगवान से कहत हुआ कि प्रभु कल हाँ कला देखबाओ लैकवा के अपने जान का परवाह होके ना हो घोड़ावा पकड़ के घुमावत है, कला बल्लड़िका हो बच्चा हो ना जाना था वो क्या अपन परिचय बता दा, कह दा कि हमारे घोड़ा छोड़ दे, छोड़ दे अर्जुन लगना डांटे लगना छतियाए वही रथ पर सिकल है लड़के, भाग जो बेटा भाग जो, ये खिलौना नहीं हरे, ये माई का गोद नहीं हो, ये लड़ाई का मैदान हो, घोड़वा के गलवा में वो पाती बांधल बेटा होके पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले लड़ाई का संदेश देते हो, कल सुना लड़ाई का मैदान हो चाहे पढ़ाई का मैदान हो, घोड़ा हो हमारे गांव में आयल हो, हम एक पकड़ ले ही चढ़े लाखे पर हम चढ़ब, ये पर तू चढ़ा इनकर बात नहीं नहीं भैया, ये भैया अर्जुन कहला भगवान से कि बड़ा करियर बोला था, तो भगवान कहला गांव में कुकुरो बरियार होला, वो तो लड़का गांव का कुकुर बरियार होला, वो तो लड़का अपन नाव के बतावा कि तू हुआ के लगले, अर्जुन अपन परिचय बतावे, तर्ज बड़ी कचा की है बेटा, कौन गीत बता लाल आओ, Thank you.
बंदे भी मिर्जिक वर्ड ब्रिजेश बाबू, लेकिन छोटा लड़का खड़ा हो पकड़ के घोड़ा ही निनाथ होके नचावत है। तब तक अर्जुन कलाए लड़के सुन 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 हम क्या है ये हमारे घोड़ा तेरे मार परिचय सुन ले बेटा का क्या मैटर भाग बेटा भाग जो हमार नाम है अर्जुन हमारे घोड़ा है। अरे बा कोना का किलोमीटर दा माई का तोहरे उजर जाई गोदिया। अरे जोने माई के गोद के फूल होबे रे। अरे बेटा वो गोदिये उजर जाई गोदिये उजार हो जाई रे बेटा सुन ले का कहे माई का तोहरे उजर जाई गोदिया अब बाबू का तुहारे कमर जाई गोदिया। अर्जुन हो और हमारे नाम से बड़े बड़े वीरन का कलेजा हिला ला बेटा तोरे मुहे में सभी माई के दूध वाला दांत ना टूटल हुई। हमारा नाम है अर्जुन है अर्जुन 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 कहला के हमें कल बच्चा समझे थी सराय हमार खसरा खतौनी पूरा जाना था का फिर जानी कहे ना यह घमंड है फिर जानी कहे ना हाँ रे बेटा हाँ वही अर्जुन है महाभारत विजेता गांडीवधारी अर्जुन भगवान कन्हैया कलन की अब यह जौन बात रुखर होते आयल जब रथ के सामने अर्जुन से ना बोला था अर्जुन से ना बोलल भगवान कन्हैया सारथी बन के रथ के हाकत आल वो नहीं से कलश के हमारे प्रणाम को स्वीकार करा देखले ना है सुनले है कि जे अर्जुन का रथ हाकला वो भगवान श्री कृष्ण हो सोरह कला का मालिक यदि कुल भूषण भगवान श्री कृष्ण अगर आप हैं तो हमारे प्रणाम को आप स्वीकार करें चूंकि हम हूँ भगत है हमार माइयो भक्त हमार बाबू भक्त हमार पूरा परिवार है आपका भक्त है हमारे प्रणाम को स्वीकार करें भगवान के हृदय से आवाज आई कलंक की एव मस्त कले प्रभु अगर आपके इजाजत हो ताई अर्जुन जो छतिया था इनसे दुठे बात बतिया ले इनसे दुठे बात बतिया ले भगवान कले यो मस्त बतिया लो तब याले अर्जुन के सामने कले कवानी अर्जुन हुआ वह अर्जुन हुआ कुंती माई के बेटा ना कला हाँ बेटा हाँ वही अर्जुन हूँ कले तब तू वीर नहीं हुआ
कायर कपूत हुआ। लड़के छोटी मुंह बड़ी बात कर बोलेगा, हलक से जवान खींच करके धरती पर रख दूंगा। कल तू कुछ न करबा, है जो रथवा हाकत हुए इनके हटा दा तो तू झंडू हो जीबा। कुछ न कह पाईबा तू झंडू हो जीबा, कुल कारीगरी वही उन्हीं में हो जो रथवा हाकत हुए। हम जाना थे इहो जाना थे कि वह अर्जुन हुआ, वह अर्जुन हुआ शिखंडी हिजड़ा के सामने खड़ा कराए के बाण चलाए के दादा भीष्म के बाण के सैया बेटा देहला। तब कहां बिरताई गई लहर, बाह फुलावत हुआ। आज तो पता चली, आज पता चली कि हमारे माई के दूध में कितना दम हो, अब तुहरे माई के दूध में कितना दम हो। आज पता चली। फिर आने के लिए कव्वाली लगल, जरा टोपी निकालो हमारी एक नंबर वाली, हमें आप टोपी वाले के नाम से जानते हैं। एक लाइन तनी आनंद लो लिया कव्वाली का, मरले हो तो बात के पान कलेजा चीरत है अर्जुन का। लाइए निकालिए टोपी दीजिए तो। लीजिए जनाब, बकर ईद वाली है। ईद वाली कब लाओगे? अब मौका मिलेगा तो थमा देंगे। अच्छी बात है। लगा कर दो लाइन, हम दिखता देना हमें। आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। नाथ हो, नाथ हो, कथा हो, कलाम हो, गजल हो या कव्वाली हो, जब एक भाव वाला बिरहा में तो हम थोड़ा लगा करके पढ़ते हैं। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करते हैं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब। शगुन से हैं? बिल्कुल। आदाब? बाप पूरा तब की चल गलत अल्फाज नहीं बोलने का। अल्फाज गलत भैया? ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, खुद मैं कौम के मुसलमान नहीं है। क्या है? हम सब हिंदू हैं, लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की। मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सबका मालिक वही राम है, वही रहमान है, वही वाही गुरु वही गॉड है। इसलिए टोपी वाला कहता है क्या क्या, एक बार मऊ शहर में बिरहा होता प्रमोद लाल जी हमारा और बेचन भैया का। बेचन भैया मजल मजावल कलाकार न इस धरती के गौरव रहे हैं। आजमगढ़ जिला से नया नया जिला बना था जब मऊ, तब पहला दंगल बेचन भैया से मार मऊ शहर में होत रहा। और लोग कहे कि टोपिया वाला, टोपिया वाला बड़ा तादाद में मुसलमान भाई बैठल न, एकाक पीस अगर मोहंडम भाई होंगे तो तवज्जा देंगे। बड़ी संख्या रही मऊ शहर में और हम कव्वाली गा रहे थे, और यह वाक्य उस समय की बताने जा रहे हैं कव्वाली में। उस समय की वाक्य है क्या धरो, करबला के जंगे मैदान में तमाम मुसलमान कत्लेआम हो गए। करबला के जंगे मैदान में तमाम मुसलमान कत्लेआम हो गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो हुसैन नहीं हसन, हुसैन नहीं हसन, घायल मुसलमानों को करबला की सरजमी पे घूम घूम करके हिम्मत दे रहा है। बा, बा, बा। उठो उठो नमाजियों, और नमाज का वक्त हो गया, एक बार अल्लाह ताला को याद कर लो। क्या कहते हैं मास्टर? आओ पढ़ लो, अब
भी मेरा सर कटा नहीं है। उठ मुसलमान नमाज पढ़ने, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। रुचि मसाला फैक्ट्री लालपुर बनारस निकट पांडेपुर सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किए हैं। शरण में बाबूजी के नवीन प्राम सकलपन के प्राम बा, यही में एक लाइन हिंदी पैटर्न हम गाइला, क्या गाते मास्टर आइए दीजिए। तो अरे दिल से दिल का मेल करने, और हमारे पूज्य गुरु जी के सुपुत्र हैं होनहार बीरवान के हो चिकने पात, हमारे सोनू बाबू आपके ओर से सादर 100 रुपए का पुरस्कार दिखाई। पैटर्न है यूट्यूब साथियों, यूट्यूबर भाइयों के लिए एक पैटर्न है ब्रजेश, बहुत खूबसूरत लाइन है। नायक नायिका से कहता है, क्या कहता है मास्टर? अरे दिल से दिल का मेल कर, मेल करने दिल दीवाने आ गए। दिल से दिल का मेल करने, अरे दिल दीवाने आ गए। प्रमोद हमारे छोटा भाई हो, ब्रजेशक मान ला, उनको उम्र ठीक है। अच्छा। जल्ला क्या कहना है? अरे तूने सी आंख मारी, तूने सी आंख मारी, बूढ़े भी शर्मा गए। ये तक कव्वाली रहो, लेकिन बताइए कव्वाली बदल दी, मेरे टोपी कलर बदल जाए। अरे बा, तो हार कलर को बदली, तो चूतिया हुआ, बूढ़ा की काला को काला न समझो, काला सब में आला है, काली पुतली काला सुरमा, वो मैडी राख में रहने वाला है। अरे बा, बाहर माय डार्लिंग बा, जब तू जाना ला तब कहे पूछल कि तोहार कहिया बदली। अरे आदमी के रंग से मतलब ना होला, यार आदमी के ढंग से मतलब होला, समझ तो आ। एक बात पूछत पूछत तोहार कुल दाढ़ी पक गई, लेकिन मल्ला ना माना माना याद रहे कहला वहा में अर्जुन हुआ जब शिखंडी हिजड़ा के सामने खड़ा कराई के आर से पार चलाए के दादा भीष्म के पार के सैया पलटा देला, तब कहां गई रहल तोहार वीरताई। आज आज हमार तोहार नहीं, तू तो बरियार होगा, लेकिन तोहरे माई के दूध का और हमरे माई के दूध का आज तौलैया हुई पीर हुआ। तो काम करा, का कहना डर कितने नाहर हो समर में, अरे कितने नाहर हो समर में, आज देखा जाएगा। राजा
नानी बेटी को मतलब बाबू काके बैठर कितने नाहर हो उस कमरे में अरे आज देखा जाएगा राम जाने कौरड़ में अरे राम जाने कौरड़ में बिरगति को पाएगा कलावजन फुकनी ले ले वो के चलावा फुकनी अर्जुन के गांडीव के फुकनी कहा था कथा चलावा हम निहत्थ है आजे तो तोहे समझ में आई एक बात और बड़ी बिजोड़ कहगल जौन अर्जुन के कलेजा के चीर देगा का कले मास्टर अपने मुहया मनी अपने मोहया बनी बनाई अरे रस है आती नहीं अब संभालो या बनी गांडी अब संभालो या बनी गांडी वरना मुह की इतना सुने सुने तो अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर नाचने लगा भगवान के और तकले कहे छोटी मुंह बड़ी बात बोला था सुनत हुआ एक कर भगवान कहे अर्जुन हुआ कि कोई दूसर कोई हुआ तुहार खुनवा पानी हो गल का तो मर्दवा के निहत्था बालक तोहरे सातवें आसमान पर नाचत हो आ तू तो हमसे पूछत हुआ कि छोटी मुंह बड़ी बात निकाला बाण मारा कट के बिखर जा अरे भगवान तो निश अर्जुन के गरम कह देना आज जब गरम के लिए तब बिरहा भी गरम हो गई बेटा अरे धरती पे हाहाकार मच गया है मच गया बिस्तर बिस्तर में कर बैठा फुफकार बिस्तर बिस्तर में कर बैठा फुफकार धरती पे हाहाकार मच गया कहीं रुंड गिरे कहीं झुंड गिरे कहीं झुंड झुंड गजराज गिरे खलबली में गिरे थवारे में रथ बाप गिरे रे बाप गिरे गुस्से में होकर अर्जुन जी गुस्से में होकर अर्जुन जी दिव्यास उठाए पारत है घूमी निगाह यदु नंदन की रथ पे मुस्काए सारे थे अर्जुन इतनी बाण मारत हो अखिया बंद कहके निशाना बलने हुए गुस्सा में लाल आंख बंद कहके खाली तरकस से बाण निकाले और निशाना बान के छोड़े सनासन 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 खाली छोड़त रहे आ लड़कवा मालूम है का करे का करे जब अर्जुन का बाण आवे तो उछल उछल के कैच कैले उछल आ कैच वाह लड़कवा हो अर्जुन के एक बोझा बाण समेट के पहलस वाह पकड़ के जब तरकस में एक बाण बचल दिव्यास अर्जुन के आँख खोलना कलपते तभी बाण मरले है कि कई प्रश्न गड्ढा हो गल है लेकिन जब तकल तो हसत रहा कला बाय अर्जुन बा बड़ा मेहनत कीला मालिक जौन मरले हुआ तौन कुछ पकड़ के धैले है आवा ले जा एको बार कम नहीं है आ तब से उठा के चोही दिव्यास खींचल चलना खींचला चढ़ा के गांडी पर आ तबले हाथ जोड़ लेलस लगल तेरा ये किल्लत
डेरात बोल तब का हम जोलस भगवान के जोलस तब तो हम का जाने जाना के बिरहा भी गरबा खाली रुपया ले पा जाना भगवान के हाथ जोलस कलस की प्रभु जौन पकड़े ला कलत और पकड़ ले ली ई परियार है आवा एक कत्तू पकड़ा प्रभु मतलब एकदम मैं खत्म है कहा दिमाग ई कहलस की आवा एक तू मत पकड़ा हमार मदद करा जौन पकड़े ला कलत और पकड़ ले ली मालिक की परियार है ना पकड़ाई क्षमा करे है तब भगवान के हृदय से आवाज आयल की बोल भक्त कैसे मदद करूं तो कहलस के जौन तोहरे अथवा में चक्रवा नाचत है वह थोड़ा देर के लिए दे देता मालिक तेहू के खचखचाई दे तब भगवान तो भगवान है न हुआ भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण के अंगुली से चक्र निकलल जाय के तामर ध्वज के अंगुली में आय हर अर्जुन दिव्या छोड़ल चक्र और से छोड़ दिलस तब भगवान के चक्र काट के दिव्यास के कई टुकड़ा में विभाजित कैलस आज जब विभाजित कैले अर्जुन के दिव्यास कटल बाबू तब तक घमंड टूटल कपारे पर हाथ के लगल रोवे आ रोई के बाद भगवान कन्हैया से कहलन का कहले मास्टर कितनी बढ़िया लाइन है दाता भगवान बा रथ हाँकत हमार अब मदद करता हूँ कर जिनकी बहुत छल के लिए मर्दवा कन्हैया हमारे संगे ये कन्हैया कौन कर बात है अर्जुन कहाँ भगवान से आई हो करते हूँ करते हूँ भैया केवल कहो नहीं बात बैठ गई ए भैया कल रथ हाँकत हमारा मदद करता दुश्मन का हमारे अरे बाबा जौन हमार कुल बाण पकड़ के रख ले दिव्यास काट दिले उके चक्र दे दिला काहे ना हमार गर्दन में कटवा लेता तब से लड़कवा कहता है काट दे ली दिव्यास लगला पंचायत करे एक थौरो हतावा चलावा अब तो मजा ले था लड़का न हो काट देहली काट देहली काट देहली काट देहली काट देहली काट देहली अर्जुन का अब तो सर झुकल हो लेकिन रोत हुआ कला की ओकर मदद करता कला हमार भक्त है कला भक्त है कला खाली भक्त है ना हम तुहार भक्त भी आई और तुहार रिश्तेदार भी आई तुहार बहनोई लगीला हमार बहनोई लगला अर्जुन कहे भगवान से तैसे कह ऐसे कह छे भैया से परियार भक्त हो तो करे भक्ति का परीक्षा लेके दिखा दा तब तक मानव नहीं तो आज के बाद हमार तोहरा तोहार रिश्ता खत्म न तोहरे बदे हम है न हमारे बदे तू तोहरे बदे हम मर गई हमारे बदे तू मर गिला यकीन तब मानव अगर हमसे बड़ा होकर भक्ति है
तो करे भक्ति के तनि सब परीक्षा लेके दिखा दा। भगवान कहे अब्बे ले ले तुरंत, खाली हम साधु बन जाते तू हमार चेला बन जा। हमारे निर्णय तो मनबा नहीं, यमराजा के बुलाए के शेर भगवान बना दिल। यमराजा बन गया शेर, कन्हैया जी बन गया साधु, अर्जुन बन गया चेला। आज एक भक्त के दरवाजे पर चले हैं परीक्षा लेने के लिए बाबू, तब विराह में एक नई मोड़ आएगी। कैसे मास्टर बढ़ाओ रुपया पुरस्कार से भैया जा करके भगवान खड़े हो गए साधु के भेष में, और एक पैर पर खड़े हैं। एक तरफ शेर है यमराजा के रूप में शेर, दूसरी तरफ चेला के रूप में अर्जुन, दोनों तरफ है भगवान। वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके आवाज दे रहे हैं, कोई है महल में? कोई है? कोई है महल के अंदर तो बाहर आ जा। एक भूखा प्यासा ब्राह्मण खड़ा है, वह लड़कवा जन अर्जुन से लड़ल हल, ओकर नाम तामर ध्वज रहल, ओकरे पिताजी के नाम राजा मोरंग ध्वज रहल। निकलन बहरे देखल एक पैर पे के बुढ़ा ब्राह्मण खड़ा हुआ। कल सरकार हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, आप कम से कम दो पैर पर तो हो जाइए। दो पैर हो गए, साधु के भेष में भगवान सवाल कर रहे हैं कि सुना हो कि तू दानी है? कल सरकार छोटा मोटा, कल देखो मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, मेरा चेला भोजन करेगा, मेरे शेर में साथ में एक शेर है जो 3 दिन का भूखा है, ये भी भोजन करेगा। हम तो जो भी खिलाएगा नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन मेरा शेर मांस खाएगा, मांस वो भी तुम्हारे दरवाजे पर, भेड़ी बकरी तक बत्तक मुर्गी मुर्गा का नहीं, यह मनुष्य की मांस खाएगा, वो भी किसी और मनुष्य का नहीं, तुम्हारे बेटे का, वो भी पूरा नहीं रे राजा, सिर्फ दाहिना अंग, दाहिना अंग मेरा शेर खाएगा। बोल अगर खिलाना चाहता है तो तुम्हारे दरवाजे पे बैठूं, वरना कोई दूसरा दरवाजा देख लूं। राजा के पैर के नीचे के धरती खिसकत हल बाबू, लेकिन हाथ जोड़ के कहे सरकार हमारे कई बेटा है, कला अगर एक बेटा का मोह है तो हमें इनकार कर दे, मैं कोई दूसरा दरवाजा देख लू। कल सरकार दाहिनांग बायांग सब एक में हो, ये अलग कैसे हुई कि दाहिनांग आपका सिरवा खाई? तब साधु रूपी भगवान जवाब दे रहे बाबू का जाओ महल में, अपने दुल्हन से कह देना नहा लेगी, श्रृंगार कर लेगी, नया वस्त्र पहन लेगी, और तुम्हारा बच्चा अंदर है हमें मालूम है, उसे भी नहला करके नया वस्त्र पहना करके और ले करके सामने आवे, और तू एक धारदार लकड़ी चीरने वाला आरा ले आओ, बीच में बेटा खड़ा होगा, सर पे आरा होगा, एक तरफ माँ होगी दूसरी तरफ पिता होगा। माई बाबू अपने लड़का के लकड़ी के बोटा किनाई चीर के आरा से 2 टुकड़ा करी है। दहिनांग शेर खाई बायांग व्यर्थ जाई, लेकिन याद रहे आरा चलाते समय मतारी बाप बेटा, माँ बाप बेटा, तीनों के आंख से अगर एक बूंद आंसू चू जाई तो का हुई? नहीं तो लौटी सरवा पर भावना
वही दरवाजे पर बैठा के अरे बाबू लोग भैया लोग राजा मोरंग ध्वज जब चलल हुए महल में से अपने रानी और बेटा के लिए आए बदे तो उस समय के बाद कवि जी लिखलन अब यहाँ से विरहा मेन क्लाइमेक्स में हो गल बाबू जी का लिखल बेटा आओ बड़े सुंदर कलाकार भैया हमार बाबू राजेश यादव विरह के बड़े मूर्धन्य कलाकार स्टार कलाकार है भाई हैं सुंदर उपहार सादर 200 रुपये का पुरस्कार दे करके राजेश बाबू सम्मान के लन सकल पंच के प्रणाम बा और माता रानी की कृपा हमेशा बनल रहे भैया सकल पंच के प्रणाम कैसे मास्टर जब अंगना में पहुंचलन तब देखना तो देखता रह गिलन का भरल कटोरा का गरम दूध माई आचारा से हवा दे दे के जुड़वा होता है अब बचावा वही माई के गोद में बैठल और तब तक बाबू जाई के कलाई पकड़ लेना ना बेटा ना रोज अन्न दान कैली सोना दान कैली चानी दान कैली पानी दान कैली लेकिन ये लाल आज हम तोहके दान कैली तोहके दान कदली बेटा मत दूध पिया मत पानी पिया मत कोनो नाश्ता करा व्रत रखला बेटा इतना बात जब माई सुन ली तो मतारी का कलेजा अपने औलाद के प्रति बड़ी कोमल होले बाबू औलाद औलाद होता है बाबू माता को माता हो जानी लेकिन बेटा जो है माता को माता ना हो ले पूत भले कपूत हो जाए लेकिन माई खड़ा हो गई झटक के राजा को ही आंगन में कलिन की ना 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 राजा ना राजा ना हमरे नयन का तारा प्राण का प्यारा राज दुलारा हमारे कई गो बेटा अगर एक ठेवरो रहती राजा तो सहर्ष खुशी से दान दे दे राजा दानी कलन के प्रिय धीरे बोलो आहिस्ते बोलो नहीं दरवाजा पर बाबा बैठे हैं तुम्हारी कटु वचन अगर सुन लेंगे तरुष्ट होकर चले जाएंगे हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी जल्दी से नहाला नया कपड़ा पहनला बचवा के नहवा के पहना के लेके बहरी आवा हम ही ना तुहू दान करबू नहवा धोवा के लाल के लेके जब रानी हेली राजा धारदार आरा लेकर खड़े हैं बीच में बेटा खड़ा हो गया सर पर आरा और सर पर जब आरा रखल गल तब बाबू कहलन के बचवा रोया मत
रोई देबा तो तुहरे पिता माता का भक्ति नष्ट हो जाई, तोहके मन चीरे जाते जा बेटा, चीर के दुई टुकड़ा कर जाई। तब बच्चा कहा, माँ हमके 9 महीना जैसे गर्भ में रखल वैसे कलेजा के मजबूत कहके चीर देबू तो तुहरे लाल के जिंदगी सवर जाई। जब चीरे लगल माई बाबू अपने कलेजा के टुकड़ा के बाबू, तब कभी लिखत हो कैसे मास्टर, हथवा में यारा लेके चिरा राजा रानी भाई, चले लगल। यमराजा के पता ना है, अर्जुन के पता ना है, लेकिन साधु रूपी भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल तीनों के आखिए देखत हो कि कोनो रोवत तो नहीं हो। बाबू का आंख, बेटा का आंख, मतारी के आंख, कर 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 आरा ये खोपड़ी चिरल से गर्दन चिरायल। जब कलेजा चिरत हल बाबू, हर 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 खून के धार बहत हल, दहिना अंग दहिने लटकत हल, बाया अंग बाए लटकत हल। किसी जमाने में किसी शायर ने गाया था कि आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, हमारी लचका जब कमरिया सारा जिला हिलेला। ई आरा जिला नाये बाबू, ई आरा जौन माई बाबू अपने लाल के कलेजा पे चिरत हन। आरा हिले छपरा हिले, छपरा जिला नहीं बाबू, जौने छप्पर के नीचे खड़ा होके माई बाबू चिरत हन, उ छपर वो हिलत रह बलिया हिलेला। हई बलिया जिला नहीं हिलत हले पंचो, रानी जब लटक के लाल के कलेजा पर आरा खींचे तो रानी के कान का बाली भी हिलत रह। लेकिन घटना का घटल का? आरा कलेजा के चीर के जो ही नीचे बढ़ल, तब तक घटना का घटल बाबू, कि बचवा के आँखिया से आँसुआ टपक लिए बाबू, न माई न बाबू, न माई न बाबू, लेकिन लाल के आंख से एक बूंद आंसू छलक गई। न अर्जुन न महाराजा न माई न बाबू केहू ना देखल देखल के यदि कुलभूगड़ी यदि कुलभूषण युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वही देखे साधु के वेश में और आसन से खड़े हो गए। रोक दिए, बंद कर दे आरा राजा, आरा बंद कर दे, मत चला, देख देख तेरा बच्चा रो रहा है रे, तेरा लाल रो रहा है। मैंने कहा था ना कि आरा चलाते समय मतारी बाप बेटा तीनों के आंख से आंसू छलकेगी तो चीरल मसीहा व्यर्थ हो जाई, शेरवा न खाई। तब माई आरावा पकड़ के काट हो गई ली। अब बाबू वही कलेजवा परवा छोड़ के दहनी अखिया के जन टुकड़वा लटकल वही के निरीखी लगल, एक बूंद भी आंसू ए आंख से ना चोलल की हई बरौनिया का पपनियों ना भीगल। घूम के आए के बाबू जब बाई आंख के देखल तो एक बूंद आंसू से ये पलक का पपनी भीगल। हाय रे समय, हाय रे पिता, उस अपने कलेजे के टुकड़े को चीर करके उसी से सवाल कर रहे हैं। बचवा बचवा कला के माई बाबू मत रोई जा, तू रो दिला,
तो रो दिला। बच्चे के रूह से एक आवाज आई जो पिता के कान में पड़ी, बाबू ऊ ना रोता, बाबू ऊ ना रोता, जो उन बाबा के कामे आई ऊ ना रोता, रोवत तो ऊ है जोन बिल्कुल व्यर्थ जाता। अर्थात बाई आंख से आंसू चुगल है, बाया टुकड़ा बाबा का शेर ना खाई, दहीना टुकड़ा बाबा का शेर खाई, तब वो हंसत है रोवत ही है जोन व्यर्थ जाते, यही बदे कि माई बाबू के कामे ली था आधा। जाके बाबा से कहता मान जी है राजा, गए साधु रूपी भगवान श्री कृष्ण के पास, कहे कि सिरवा आपका ना खाई ना, बाप है अपने कलेजा के टुकड़ा के चीर देली, कलेजा फटत अगर आपका आदेश हो तो हे मालिक एक थे बात कही, कहले एक बात नहीं हजारों बात कहो लेकिन शेर नहीं खाएगा। कहले ए बाबा आपका सिरवा हमरे बचवा का दहिना टुकड़ा खाई दहिनी, लेकिन दहिनी अखिया ससुईया ना चुगल है, आंसू चुगल है लेकिन बाई आंख से। तब भगवान माकूल हुए और कहे कि जाओ तब दो टुकड़ा पूरा चीर करके शेर को डाल दो। अला राजा आरा पकड़ ला पंचू, रानी शिकलन की प्रिय थोड़ा सा और हिम्मत कर दो भाग्यवान, थोड़ा सा और हिम्मत करो। पकड़ के दो टुकड़ा चीर के थर 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 माई का शरीर कांपत है, लेकिन दोनों प्राणी उठाए ले लें, उठाए के काकले बाबू तनी गौर करिए किसी बेटा आओ। राजा रानी अर्थात मतारी बाप कह थर 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 बदन कापत है, लेकिन एक टुकड़ा लाश को उठा के शेर के परोस दहला और सेरवा सुन के हट गल। जब हट गल तब तब माई काटल पेड़ किनाई अराय के गिरल चहली है, राजा ही बाजू में पकड़ने कल पगलाए गिलू हिम्मत रखा, कल का हिम्मत रखे राजा का रखे, जब चीरू देहला खई तो ना हो तो आपका हिम्मत रखी। कल चला बाबा से पूछल जाए, आए हर राजा रानी जब मुड़ के बाबा को रावत हुए तबले भगवान कन्हैया अर्जुन के खोदत हुए। क्यों अर्जुन अब तू बताओ कि तुम्हारी भक्ति बड़ी है या उसकी भक्ति बड़ी है, तुम्हें चक्र दान दूं या उसे चक्र दूं, किसे दूं, शर्त में बध करके एक लौता औलाद को चीर करके देख तुम्हारे सामने डाल दिए फिर आ रहे, जरूर पूछेंगे कि शेर क्यों नहीं खा रहा है। तब तक माई बाबू रानी कुछ दूर है रोवत है कलेजा हिलत हो, राजा जाके कलन के सरकार कहाँ गलती होगी कि शेरवा ना खा था। भगवान चौनिया मुस्कियात रहला, राजा कलन सरकार हमार लाल चीर गले आप तो मुस्कियात हुआ, कला हाँ हो ये बदे मुस्कियात है कि शेर वो हमार पागल हो, वो ये से पागल हो कि वो तब तक न खाई जब तक हम न खा, तीन दिन का भूखल है लेकिन वो हमके जोहत हो, दोनों प्राणी चल जा महल में अचार थाल में भोजन लगा के लेके आवा, जब हम खाए लगब तब खाई वो स्वामी भक्त हो। गई ने दोनों प्राणी महल में, तीन थाली में रानी खाना लगा देली, आ चौथी थाली जब सामने राजा कैले तो कहली अब हमके मुवादा ओकर बाद थाली लगवाए ला। तब मतारी कही तब वो माँ बोल पड़ी,
कि हमार गला दाब के मार धरा राजा ओकरे बाद थाली लगवाएला। चेला गुरु दुए ठन हुआ न सेरवा हमारे बचवा का मसीहा खाई ना, तो चेला गुरु के दुए थलियवा चाहिए चार ठे का होई जानत हुआ का होई। वो बाबा हंसत अलग तब हम जल्दी है कि छल करी एक थाली में अपने खाई, एक थाली में अपने चेला के खियाई, आ एक थाली में बाबू के खियाई, एक थाली में माई के खियाई। हे राजा ये तने बता दा कि जवने लाल के पाल पोस के पैदा करके इतना बड़ा कैली, वही सामने हमरे लाल का मांस शेर चबा चबा के खाई, भला माई के मुही में कैसे कवर जाई। राजा कलन प्रिय आगे की बात मत सोचो लगाओ ना। दो थाल में राजा दो थाल में रानी भोजन लेके इलन, आवे से पहले में भगवान असली भेष में कन्हैया जी असली भेष में अर्जुन से कहलन कि अब असली रूप में आवा भगत के दर्शन देही। यमराजा से कहलन कि असली रूप में आके दोनों टुकड़वा लाल के एक में सटा दा उके जिंदा कह देही, नहीं अब बौरहिया और बर्दाश्त न कह पाई। चूंकि मतारी का कलेजा कोमल होला, भगवान के चरण में जिंदा होके बच्चा लिपटल, और एक थाली में महाराजा, एक थाली में भगवान श्री कृष्ण, एक थाली में अर्जुन, और चौथी थाली में के खानदान का सपूत बेटा। जब भोजन करे लगलन अपने साथ में लेके बेटा के जिंदा कहके, तब कहलन कि राजा मांग लो, जो मांगेगा मनवांछित फल मिलेगा। कहलक हे मालिक हे भगवान हे यदि कुलभूषण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कुछ देवल चाहत हुआ तो एक चीज दे दा। का चीज मास्टर? हाथ जोड़ कर राजा बोले वरदान की है दिया, ऐसा कठिन परिश्रम भगवान और कब न कोई कलिया। हरि जी हरि जी देहन पर तनम कितौने छाया, भगवान वरदान दी, भगत को संतुष्ट किए और यो मस्त होकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं। तो भगवान जब जब जेके जेके घमंड भलो करे घमंड के तोड़े के काम के लें, तो गुरुदिन मोहम्मद राम सुवत सिंह सुबदन की पानी कथन करे भरी दौर संगमिका बेचू गया। हाँ